आप पुरानी बिल्डिंग में भी यही किया करते थे, आपको इनको सॉरी बोलना चाहिए, दैट्स इट। मिस्टर रमन कुमार भल्ला सुधरे नहीं आप, भागे अपनी औकात पे किचन पॉलिटिक्स वाली, औरतों के साथ रह रहे के यही हो जाएगा। वैसे भी आपके पास तो कोई काम पड़ा नहीं है, अब बिजनेस तो रहा नहीं आपका, जितने कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब हार चुके हो, क्योंकि वो सब कॉन्ट्रैक्ट अब मेरे पास है। और हाँ, सुनने में आया कि आप कोई इंटरनेशनल कंपनी लेने जा रहे थे और उन्होंने भी मना कर दिया, अब यही होगा आपके साथ। मेरे बिजनेस की कोई फिक्र मत कर, क्योंकि ईमानदारी से बिजनेस करना तो उचित तो आएगा नहीं, घूसखोर जो है, और इंटरनेशनल कंपनी की बात वो तो मैं टेक ओवर करके रहूंगा। ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, पेपर में पढ़ लेना, कुछ लोगों को बहुत नाज था यहाँ तुझ पर, आंखें खुली तो ठीक वरना जिंदगी भर अंधेरे में रहेंगे। और अगर आएंगा मेरे माँ बाप से बदतमीजी से बात की ना, तो सामान खींच गले में लेकर चलो माँ। मैंने फाइल रिसेप्शन पे दे दी है। अशोक भी पहुंच ही गया है, मैंने बस उसे अभी थोड़ी देर पहले देखा। रोमी डोंट वरी, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट। यस, आई लव यू टू। बाय। से रोमी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मेकअप रोमी सर फिर है, नादान, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर तुम उसे रोकती क्यों नहीं? तुम अशोक खन्ना को अच्छी तरह जानती हो, उसके बिजनेस टैक्टिक्स अच्छी तरह जानती हो, तुम उसे समझाती क्यों नहीं कि जो वो कर रहा है वो गलत है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीर, मैं रोमी के बिजनेस में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती, और रोमी अगर अशोक के साथ काम कर रहा है तो आई एम श्योर उसमें उसका कोई इंटरेस्ट होगा। मीर, यू नो कि ये बिजनेस में ऐसे ही होता है, तरह तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ता है, और रोमी इन लोगों के साथ डील करना अच्छे से जानता है, जो कि तुम और तुम्हारे बॉस शायद नहीं जानते। यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी बातें कर रही हो, एक ऐसे इंसान के पक्ष में जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में। फिक्र हो रहा है तुम्हारा मेकअप, अगर तुम इसी रास्ते चलती गई ना तो मुंह के बल गिरोगी। मिस्टर मिहिर अरोरा को मेरी इतनी टेंशन हो रही है। देखो मिहिर, तुम्हें ये झूठी केयर वेयर दिखाने की कोई जरूरत नहीं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत खुश हूँ। देख रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में कितनी खुश हो, और ये भी देख रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हो। ऑफ कोर्स मिहिर, एक इंसान कब तक दूसरे इंसान के लिए इंतजार कर सकता है? हर इंसान को कभी ना कभी आगे बढ़ना ही पड़ता है। That's why I moved on. तो एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई, मैं शादी कर रही हूँ। इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गए, अब मैं तुम्हें पर्सनली अपनी शादी के लिए इनवाइट कर सकती हूँ। एनीवे, मैं अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही हूँ, तो तुम्हें भी इनविटेशन मिल ही जाएगा। तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। मीका, तुमसे आज एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर मुझे अपने जीवन में कभी भी रमन भाई तुम्हारे बीच में चुनना पड़ा ना, तो मैं हमेशा रमन भाई को चुनूंगा, क्योंकि मेरे लिए रमन भाई की वफादारी तुम्हारी दोस्ती से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। And I wish you all the best for your future married life with Rumi. लेकिन मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाऊंगा। रमन की वफादारी ने ही तो तुम्हें बर्बाद कर दिया।
सॉरी मैं भूल गए। सॉरी अब जल्दी जाओ और लेके आओ। हाँ पीयू मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है। तो मेरी प्रिंसेस पैकिंग कर रही है। हाँ पैकिंग करना इतना टफ चीज है पता है, और आप मेरे लिए क्या लाए? मैं अपनी पीहू के लिए कैंडीज और चॉकलेट्स लाया हूँ। यस और दादी आपके फेवरेट स्नैक्स बना रही है। जब आप जाओगे ना उसको अपने हैंडबैग में रख लेना ताकि आप इजीली उसको खा सको जब आपको भूख लगे। ओके ओके। एंड पीयू लिसन, आप वहाँ पापा के साथ जाते रहो लेकिन पापा को वहाँ पे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना क्योंकि वो काम से जा रहे हैं ना तो वहाँ पे बिजी होंगे। ना ना मैं पापा को डिस्टर्ब क्यों करूंगी, मैं तो बिग गर्ल हूँ ना। गुड। भैया आपको भी ऑस्ट्रेलिया जाना था ना, पापा आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जा रहे इसलिए आप सैड हो ना? नहीं पापा, इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आप पापा के साथ जा रहे हो एंड आई एम वेरी श्योर कि आप पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। राइट। वैसे भी पापा जब भी आपके साथ होते हैं ना तो वो हमेशा हैप्पी रहते हैं और यही तो मुझे चाहिए। पर पापा सब पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हमें ना उनका एक निकनेम रखना चाहिए, सड़ू कुमार। सड़ू कुमार नहीं, रावण कुमार। रावण कुमार कितना फनी नेम है ना, अब मैं पापा को रावण कुमार ही बुलाऊंगी। नहीं नहीं पियू, पापा को कभी भी इस नाम से मत बुलाना ठीक है, वरना वो अपसेट हो जाएंगे। ओके नहीं बोलूंगी, पर क्यों? पियू तुम ना बहुत टाइम वेस्ट करती हो, अब जल्दी से पैकिंग करो, हमें जाना है ना एयरपोर्ट, और वैसे भी पापा ने बोला है कि मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करूं। जल्दी से पैकिंग करो वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, और अगर आपकी फ्लाइट मिस होगी तो आप रोहान द रॉकस्टार से कैसे मिलोगी? वाह, ऑस्ट्रेलिया में आ रही हूं, रोहान में आ रही हूं। हाय, गुड मॉर्निंग रोहान, जस्ट कम इन। आर यू ओके? आई सेड जस्ट कम इन। तुमने क्या कहा अपनी मॉम को? कल वो पुलिस लेकर मेरे घर में आ गई थी। मैंने अम्मा को वही बताया जो मैंने देखा, मैंने मैम के हाथ में विप देखा था। एंड आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू, जिस तरह से वो तुम्हें टॉर्चर करती है वो सही नहीं है, और जिस तरह से तुम वो सहते हो वो उससे भी ज्यादा गलत है। आलिया प्लीज शट अप, और कीजिए तुम मुझे फ्री का ज्ञान दे रही हो ना, ये अपने पास ही रखो। एंड हैव यू लॉस्ट इट? हाउ डेयर यू कंप्लेन अबाउट माय मॉम? रुहान मेरी अम्मा ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मेरे कहने पे ही कंप्लेंट की थी। दिल की बहुत अच्छी है, वो तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न्ड है, शी जस्ट वांटेड टू हेल्प यू, दैट्स इट। तुम्हारी आंखों पर भी वही चश्मा चला हुआ है इसलिए तुम उसकी असलियत नहीं समझ पा रही हो। एक सेकंड, तुम मेरी अम्मा के बारे में ये सब बोल रहे हो? तुम होते कौन हो उनके बारे में ये सब बोलने वाले? यू डोंट इवन नो हर, तुम उनको जज कैसे कर रहे हो? मैं जानती हूँ मेरी अम्मा दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा है क्योंकि वो मेरी अम्मा है। प्लीज आलिया, मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम होने का ड्रामा करती है, और जब वक्त आता है तो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। एक्सक्यूज मी रोहान सर, आप बहुत बड़े पॉप सेंसेशन होंगे, मेरे सर होंगे, लेकिन दिमाग और एज में आप मुझसे छोटे हो। आप जानते हो मैं किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? यू डोंट इवन नो हर, यू कांट जज हर। मेरी मॉम जैसे कंपैशनेट और लविंग कोई हो ही नहीं सकता, और मैं आज के बाद एक और वर्ड नहीं सुनूंगी उनके बारे में, माइंड इट। तो जाके कह दो अपनी अम्मा से कि अगली बार से मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। मेरी मॉम को अच्छे से पता है कि मेरा ख्याल कैसे रखना है, और मुझे किसी और औरत की कंपैशन और केयर की जरूरत नहीं है, समझे तुम? I'm sorry but that's really sad. I know तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो इसलिए तो ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, बट ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं और मेरी अम्मा तुम्हारी पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करें तो इट्स ओके, आई विल नॉट। आज से मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूंगी, आई बी ए प्रोफेशनल नाउ, एंड आई थिंक आई शुड कंटिन्यू विद माय जॉब। निश्चिता भल्ला, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है ना, तुम मतलब ही हो तुम। रिचा, मैंने फ्रूट्स काट दिए हैं।
तुम एक काम करो, इनको ना कस्टर्ड में अच्छे से डाल देना और मैं आलिया के लिए पेस्ट्री लेकर आऊंगी, ठीक है? तो उसको बोलना वो अभी कस्टर्ड नहीं खा ले, पेस्ट्रीज का वेट करे। मैम तो आपका इंडिया वाला न्यूज प्रोग्राम फिनिश हो गया? इट्स डन, बस मुझे जाना ही है अभी, बस जल्दी से। नेक्स्ट न्यूज अपडेट फ्रॉम दिल्ली। This week, Business Excellence Award function took place in Delhi. Renowned entrepreneurs and businessmen were present. Like every year, the Business Excellence Award was given to Mr. Raman Batla. Mr. Raman Batla's entire family was present at the award function. शकुन रमन की वाइफ, रमन ने उससे शादी। अच्छा ही तो हुआ ना, शकुन ने सबकी जिम्मेदारी संभाल ली। आज जाके पता लगा, सच अ रिलीफ। और मेरे बच्चों के पास एक माँ है। हमेशा जैसे, you haven't changed. खुश हूं कि ना मैंने उन्हें साथ में, कहते थे कि मैं आपके साथ हूं, इसलिए जिंदगी की सारी परेशानियां मैंने ही तो, शानी भी नहीं और ये अवार्ड भी है। कितने अवार्ड जीतते हो आप, मेरे बिना सुकून तो है आपकी जिंदगी में। But I miss you so much. मैडम, मैंने वो कस्टर्ड को फ्रिज में रख दिया है, और कुछ? आलिया इंडियन खाएगी तो इंडियन फूड का अरेंजमेंट कर लो। ओके मनी, रिलैक्स, अचानक दिख गया इसलिए, बट आई एम ओके, आई एम फाइन, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, आई हैव मेड सम कस्टर्ड, फ्रिज में रखा है, बट तुम खाना नहीं अभी उसे, ठीक है? पेस्ट्री लेकर आ रही हूँ मैं, सो जस्ट वेट फॉर इट, लंच वंच के बाद में, ओके? चलो सी यू। तुम्हें क्या लगता है ईशो, तुम छुपाओगी, हर बात मुझसे छुप जाएगी? मैं भी देखता हूँ, सब समझता हूँ।
मैं तुम्हारे हर दर्द को महसूस कर सकता हूं ईशु। शायद यही प्यार है। काश मैं तुम्हें रमन से मिलवा पाता। बैठो पियो, तुम यहाँ दो मिनट बैठो, पापा रूम की चाबी लेके आते। वाओ पापा, ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा है और कितना ब्यूटीफुल भी है। यहाँ कितनी सारी ग्रीनरी है, कितनी टॉल टॉल बिल्डिंग्स है। हम साइट सीइंग कब करने जाएंगे? हम आदि भैया और मामा को भी लाते तो कितना मजा आता ना। ठीक है, मादी भैया और मम्मी से भी बात करेंगे, लेकिन पियो तुम याद है तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था। पापा यहाँ क्यों आए? हाँ हाँ पापा, मुझे याद है अपना प्रॉमिस। और हाँ, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं बिग गर्ल हूँ ना। वो तो आप हो गए हो मैं प्रिंसेस। अब पापा जाएं, चाबी लेकर आए। ओके पापा, मैं यही बैठ के खेल लूंगी। एक सेकंड। आमिर। अरे हाँ मिस्टर शर्मा, उनसे बात करना इम्पोर्टेंट है। चल ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। भैया आप दो मिनट यहीं बैठना, पापा आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, माय डॉटर्स हियर, कैन यू जस्ट टेक केयर फॉर टू मिनट्स, आई जस्ट हैव टू मेक एन इम्पोर्टेंट फोन कॉल। थैंक यू। पापा का कॉल अब तक खत्म ही नहीं हुआ और मुझे तो भूख लग रही है। अब क्या करूं? पापा को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती हूँ। वाओ पेस्ट्री शॉप। पापा को डिस्टर्ब क्यों करना? पापा का बॉलर किया है, मैं खुद पेस्ट्री ले आऊंगी। एक्सक्यूज मी अंकल। यस। कैन यू प्लीज इन्फॉर्म माय डैड व्हेन ही कम्स दैट आई एम गोइंग टू द पेस्ट्री शॉप टू बाय अ पेस्ट्री। ओके। थैंक यू। ये सारी पेस्ट्रीज जो तो सब खाने की मन कर रही। अंकल, can you give me one pineapple pastry? So sorry, it was the last pastry. Someone has bought it. Please select some other pastry. Excuse me, you can give it to her. I'll take one lesser. Here's the pastry you wanted. Yes, but the last piece? That lady, she gave it back for you. कितनी अच्छी है वो आंटी, मुझे उनको थैंक यू बोलना चाहिए। Excuse me? तुमको तो कहीं देखा है, याद करती हूँ। देखा है कौन है ये आंटी? देखा है कहीं? मुझे पता चल गया, ये तो वही हार वाली आंटी है जिसकी फोटो मैंने पार्टी के घर पर देखी थी। ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कैसे? मुझे आदि भैया को बताना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।